हेलो, नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने आइडियल डेफिनेशन साइकिल या फिर रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ा था। आज का ये टॉपिक हमारा है बेल कॉलमैन साइकिल या फिर रिवर्स बेटन साइकिल, जो कि अपने क्या कहते हैं एयरक्राफ्ट या एयर डेफिनेशन साइकिल में काम में ली जाती है। सबसे पहले देखते हैं अपने को बेल कॉलमैन साइकिल या फिर रिवर्स बेटन साइकिल। रिवर्स बेटन साइकिल को ही रिवर्स जूल साइकिल कहा जाता है, क्यों? बेटन साइकिल जो होती है वही जूल साइकिल कहलाती है। तो बेल कॉलमैन साइकिल या फिर रिवर्स बेटन साइकिल या फिर रिवर्स जूल साइकिल, तीनों एक ही प्रोसेस, एक ही साइकिल के नाम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस इसमें मेनली चार प्रोसेस होते हैं, वन से टू। वन से टू यदि हम इसको पहले पीबी डायग्राम और टीएस डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पीबी डायग्राम पर रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले वन से टू, यानी कि वॉल्यूम यदि कम हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ था तो वॉल्यूम यहाँ कम हो गया, मतलब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन को बोला जाता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। टू से थ्री जो कि है प्रेशर कांस्टेंट, टू से थ्री हम लाइन देखते हैं तो यह है प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन है। थ्री से फोर यह है अपना है एक्सपेंशन, क्योंकि वॉल्यूम यदि यहाँ था तो फोर पर आके वॉल्यूम बढ़ा, मतलब इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा, जो कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन या फिर रिवर्सिबल एडियाबेटिक। चार से एक जो कि है कांस्टेंट प्रेशर, जो कि है हीट एब्जॉर्बेशन प्रोसेस। इसमें जो प्रोसेस है वो अपना रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। वन से टू, टू से थ्री और थ्री से फोर, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। जबकि अपना बेटन साइकिल में जो प्रोसेस था वो अपना था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि बेटन साइकिल जो होती है, नॉर्मल जो बेटन साइकिल होती है उसमें अपने को वर्क मिलता है वो होती है वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। जबकि रेफ्रिजरेशन में जो हम यूज कर रहे हैं रिवर्स बेटन साइकिल, मतलब वर्क को देना पड़ता है, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो हमेशा ये याद रखना, जो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करती है, और जो क्या कहते हैं वर्क एब्जॉर्बिंग जो डिवाइस होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करती है। तो इसके बाद हम देखते हैं टीएस डायग्राम। यदि हम टीएस डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो टीएस डायग्राम पर शो किया वन से टू, क्योंकि यह है एंट्रोपिक कॉन्स्टेंट। एंट्रोपिक कॉन्स्टेंट है मतलब वन से टू है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। टू से थ्री यह है अपनी कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन, जो कि क्या कहते हैं एक कर्व के रूप में होती है, पी टू इक्वल टू पी थ्री, क्योंकि टेम्परेचर सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन है पी टू इक्वल टू पी थ्री, जो कि यहाँ पर है क्यू हीट रिजेक्शन है। थ्री से फोर यह है अपना एक्सपेंशन, जो कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन या रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और चार से एक है अपना कॉन्स्टेंट प्रोसेस, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन या हीट एब्जॉर्बेशन प्रोसेस। कॉन्स्टेंट प्रेशर है इससे पी वन की वैल्यू पी फोर के बराबर है। ठीक है, यदि हम कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। एक होता है इसमें कंप्रेसर, वन से टू क्या कहते हैं कंप्रेस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कंप्रेसर। वन से टू है अपना कंप्रेसर, वन गया टू से, जैसे कि इनलेट है ये आउटलेट, वन से टू कंप्रेस हुआ। इसके बाद जाता है ये कूलर या कंडेंसर, कंडेंसर से अपनी क्या कहते हैं बाहर की तरफ हीट रिएक्शन हो जाती है। ये हो गया टू से थ्री प्रोसेस कंडेंसर, जो कि हीट रिएक्शन प्रोसेस है। थ्री से फोर जिसमें कि एक्सपेंडर में ये एक्सपेंशन हो रहा है। चार से एक ये स्टोरेज में गया, चार से एक स्टोरेज जो कि क्या कहते हैं रेफ्रिजरेटर का स्टोरेज होता है, उसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है वो हीट एब्जॉर्ब करता है स्टोरेज से, तो ये क्यू एब्जॉर्ब, ये हो गया हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। और वन से टू फिर साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो मेनली अपने क्या सीखा, इसमें चार प्रोसेस होते हैं, दो कॉन्स्टेंट प्रेशर है, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अब निकालते हैं हमारा जो मेन जो मोटिव है वो है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल निकालना। सीओपी हमने पढ़ा था कि सीओपी क्या होती है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है अपना का, क्योंकि रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बात करें तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, जो कि अपना चार से एक की प्रोसेस है हीट अब्जॉर्बेशन पे से, यही अपना क्या कहता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है। और सेकेंड है वर्क इनपुट, हमने कितना वर्क इनपुट दिया। अब नेक्स्ट निकालते हैं हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की वैल्यू। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ये होता है जो है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। रेफ्रिजरेटिंग चार से एक प्रोसेस है, यहाँ पे एंथैल्पी H1 की ज्यादा है, H4 की कम है, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हो गया H1 - H4 क्लोजूल पर केजी में, क्योंकि मास पर केजी में लेते हैं। यदि हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट लिखते हैं तो हम मैं मास से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हमने केजी पर के किलोजूल पर केजी में लिया, यानी मास को नहीं लिखना। तो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट इक्वल टू हो गया, यदि एच को लिखा जाता है, एच होता है सी पी इंटू डेल्टा टी, तो सी पी दोनों में कॉमन, तो T1 - T4, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हम यदि वर्क इनपुट के बारे में लिखें,
वर्क इनपुट क्या हो गया, डब्ल्यू सी कंप्रेसर का माइनस एक्सपेंशन, क्योंकि वर्क हमें देना पड़ रहा है, तो मतलब कंप्रेसर माइनस एक्सपेंशन। यदि हमें वर्क यदि मिल रहा होता तो हमें वर्क एक्सपेंडर माइनस वर्क कंप्रेसर कर लेते, यहाँ पर अपने को वर्क देना पड़ता है, इसलिए कंप्रेसर माइनस वर्क इनपुट एक्सपेंडर किया जा रहा है। कंप्रेसर का जो वर्क होगा, कंप्रेसर कंप्रेसर कहाँ से कहाँ काम कर रहा, वन से टू, यानी वन से टू में कंप्रेसर, इसलिए एच टू माइनस एच वन, वर्क कंप्रेसर के लिए लिखा हमने एच टू माइनस एच वन। एक्सपेंडर जो होता है, एक्सपेंडर कहाँ हो रहा, तीन से चार में, ये हो गया एच थ्री माइनस एच फोर। यदि हम इनकी एच को लिखा सीपी इंटू डेल्टा टी, तो सीपी सभी में कॉमन, तो सीपी टी टू माइनस टी वन माइनस एच थ्री माइनस एच फोर को लिखा सीपी टी थ्री माइनस टी फोर, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर टू। अब चलते हैं हम सीओपी को निकालने के लिए। सीओपी क्या होती है, रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू इनपुट। तो रेफ्रिजरेटिव इफेक्ट हो गया सीपी टी वन माइनस टी फोर है, वर्क इनपुट की वैल्यू रखी सीपी टी टू माइनस टी वन माइनस सीपी टी थ्री माइनस टी फोर इक्वेशन टू से। यदि हम सीपी सीपी सभी में कॉमन हो तो सीपी से सीपी सारा कैंसिल हो गया, तो जो इक्वेशन बची वो होगी टी वन माइनस टी फोर ऊपर नीचे जो अपॉन मार टी टू माइनस टी वन माइनस टी थ्री माइनस टी फोर ब्रैकेट में। यदि हम कॉमन लेना चाहें तो टी वन माइनस टी फोर, इसको हम लिख सकते हैं टी टू माइनस टी थ्री माइनस टी वन माइनस टी फोर। इसको हमने इसलिए ऐसा लिखा है कि दोनों टर्म्स सेम हो जाए, टी वन माइनस टी फोर, टी वन माइनस टी फोर, जिससे कि हम कॉमन ले सकें, हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। इसलिए टी वन माइनस टी फोर, टी वन माइनस टी फोर को यहाँ से कॉमन ले लिया नीचे वाली टर्म से, तो नीचे वाली टर्म से कॉमन लिया तो टी टू माइनस टी थ्री अपॉन में टी वन माइनस टी फोर, क्योंकि टी वन माइनस टी फोर से टी वन माइनस टी फोर गया तो टी टू माइनस टी थ्री यानी कॉमन लेने से बटे में आ जाएगा, माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो माइनस वन रह जाएगा, क्योंकि टी वन माइनस टी फोर कॉमन आ गया तो बचा वन। इसलिए सी ओ पी इक्वल टू हो गया टी वन माइनस टी फोर से टी वन माइनस टी फोर कैंसिल हो गया, तो वन अपॉन टी टू माइनस टी थ्री अपॉन टी वन माइनस टी फोर माइनस वन, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर थ्री। अब जैसे कि अपने कांस्टेंट प्रेशर साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्रेटन साइकिल जो होती है वो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल होती है, तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं टर्म्स को प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो क्या होता है, हायर प्रेशर अपॉन लोअर प्रेशर। प्रेशर रेशियो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर पी से। हायर प्रेशर क्या था, पी टू था, लोअर प्रेशर पी वन था, और सेम टू सेम क्योंकि पी टू इक्वल टू पी थ्री था और पी वन इक्वल टू पी फोर, तो पी थ्री अपन पी फोर भी लिखा सकता है। अब चलते हैं प्रोसेस वन से टू। प्रोसेस वन से टू ये प्रोसेस था होता है आइसेंटोपिक कंप्रेशन या रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। इसके लिए होता है अपने पी बी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट या टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तीन प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक होता है टी वी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और थर्ड जो होता है टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू पी टू अपॉन पी वन की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। यहाँ हम पी का रिलेशन यूज करते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल है। तो इसको पी टू अपॉन पी वन को लिखा हमने आर पी, जो कि प्रेशर रेशियो की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। ठीक है, यहाँ तक अपने को समझ में आया। इसी प्रकार प्रोसेस थ्री से फोर के लिए, प्रोसेस थ्री से फोर भी अपना एडियाबेटिक एक्सपेंशन है जो कि आइसेंटोपिक प्रोसेस है। इसको भी लिखा जा सकता है टी थ्री अपॉन टी फोर इक्वल टू पी थ्री अपॉन पी फोर की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा। पी थ्री अपॉन पी फोर की वैल्यू आर पी के बराबर, तो आर पी की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, इक्वेशन नंबर पांच। यदि हम दोनों इक्वेशनों को कंपेयर कर लें, इक्वेशन नंबर चार एंड इक्वेशन नंबर पांच, तो हम देखेंगे कि टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू टी थ्री अपॉन टी फोर इक्वल टू आर पी की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा, यानी कि आर पी की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा की वैल्यू है वो टी टू अपॉन टी वन और टी थ्री अपॉन टी फोर की वैल्यू के बराबर है। यदि हम इसको सॉल्व करें तो टी थ्री अपॉन टी थ्री यहाँ है तो टी टू को यहाँ ले लिया, और टी फोर अपॉन टी वन टी फोर अपॉन टी वन को इस तरीके से लिख लिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री, जो हमारी पिछली इक्वेशन थी उसमें हम फॉर्मूला डालते हैं। क्या था इक्वेशन नंबर थ्री में, सी ओ पी इक्वल टू वन अपॉन टी टू माइनस टी थ्री अपॉन टी वन माइनस टी फोर ब्रैकेट में माइनस वन। यदि हम वन यदि इस टर्म्स में से टी टू कॉमन ले ले, वन तो ऊपर ही है, वन अपॉन यदि टी टू माइनस टी थ्री में से हमने टी टू कॉमन लिया तो वन माइनस टी थ्री अपॉन टी टू बचा, और नीचे वाली टर्म से हमने कॉमन लिया टी वन तो ये बचा वन माइनस टी फोर अपॉन टी वन ब्रैकेट में और माइनस वन। तो ये वन अपॉन टी टू अपॉन टी वन, इसकी वैल्यू हुई वन माइनस टी थ्री अपॉन टी टू अपॉन वन माइनस, क्योंकि टी फोर अपॉन टी वन की वैल्यू है टी थ्री अपॉन टी टू के बराबर। किसी की कोई भी टर्म्स लिख सकते हैं, टी थ्री अपॉन टी टू की वैल्यू टी फोर अपॉन टी वन लिख सकते हैं, या टी फोर अपॉन टी वन की वैल्यू रख सकते हैं टी थ्री अपॉन टी टू। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स सेम हो जाती हैं,
दोनों टर्म सेम होंगे तो ये कट गया। तो इसके बाद बचा सीओपी ऑफ बेटन रिवर्स बेटन साइकिल इक्वल टू 1/T2/T1 ब्रैकेट में -1। जो T2/T1 की वैल्यू है अपने प्रेशर रेशियो की पावर है आरपी की पावर गामा -1/गामा और जो -1। यदि हम देखें जाए तो ये अपना फॉर्मूला हो गया सीओपी ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल जो होता है एफिशिएंसी कभी निकालने के लिए एग्जाम में आता है डेरिवेशन या फिर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है तो अपने को ये लिखना है सीओपी ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल या बेल कोलमैन साइकिल या रिवर्स जूल साइकिल के लिए होते हैं 1/RP की पावर गामा -1/गामा -1। कुछ नोट है इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है। दिस इज वैलिड ओनली वेन कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस आर एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक। जब कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस प्योरली रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस या आइसोटोपिक प्रोसेस है तभी अपने का ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि अपने जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस में जो लिया अपने फॉर्मूला यूज किया वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक का यूज किया। यदि प्रोसेस पॉलीटोपिक प्रोसेस हुआ रिवर्सिबल एडियाबेटिक या कंप्रेशन प्रोसेस यदि अपने पॉलीटोपिक प्रोसेस हुए तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। सेकेंड है सीओपी ऑफ गैस रेफ्रिजरेंट साइकिल डिपेंड्स ऑन द प्रेशर रेशियो ओनली। जहाँ पर ये सीओपी है ओनली प्रेशर रेशियो पर डिपेंड करती है जो कि आरपी की पावर गामा -1/गामा आरपी जो है या प्रेशर रेशियो है। यदि हम जैसे जैसे सीओपी और प्रेशर रेशियो का यदि हम रिलेशन देखें यदि हम प्रेशर रेशियो की वैल्यू बढ़ाते हैं तो सीओपी की वैल्यू कम होती जाती है। जैसे कि आप रिलेशन से यहाँ समझ सकते हैं यदि प्रेशर रेशियो की वैल्यू यदि 3 है तो सीओपी की वैल्यू कितनी आती है। यदि गामा -1/गामा को भी यदि हम 1 ले लेते हैं यानी कि पॉजिटिव लेके चलते हैं कोई टर्म्स है एक से बड़ी यानी ये कोई भी पॉजिटिव है तो सी आरपी की वैल्यू यदि 3 है तो सीओपी की वैल्यू 1/2 आती है। यदि आर प्रेशर रेशियो की वैल्यू में बढ़ा देते हैं यानी 4 हो जाती है तो सीओपी की वैल्यू 1/3 मतलब 0.3 थी यानी कि अपने सीओपी की वैल्यू कम हो रही है। जैसे प्रेशर रेशियो बढ़ रहा है वैसे वैसे सीओपी की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है तो यहाँ इस टॉपिक में हमने पढ़ा था सीओपी ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है या बेल कोलमैन साइकिल या फिर रिवर्स जूल साइकिल। जी और मैनली जो बेल कोलमैन साइकिल है ये अपने एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम या एयरक्राफ्ट में यूजली आती है या फिर इसको बोल सकते हैं गैस लिक्विफिकेशन के लिए भी काम में ली जाती है। तो सीओपी रिवर्स ब्रेटन साइकिल होती है 1/RP की पावर गामा -1/गामा -1। ठीक थैंक यू।